लगता है हमने जो है ना पूरा गीगा मॉल खरीद लिया। Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and welcome back to another vlog। कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोग सोचोगे ये रेडी हो गई है, तो खैर थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, कुछ चीज़ें लेनी है, सेल्स वगैरह बड़ी लगी हुई हैं और मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी, कुछ एक्सचेंज करवानी थी मैंने, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं। और सुबह सुबह हम जा रहे हैं ताकि रश हमें जो है ना वो ज़रा कम मिले। अब वो जाएंगे आगे तो ही पता चलेगा कि रश है नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे तो बड़ा धूम मची हुई है कि जी सेल्स लगी हुई है और बहुत ज़्यादा रश है। तो खैर हम जाके ही देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, उस हिसाब से हम भी शॉपिंग करेंगे। अगर हमें कुछ अच्छा मिल गया तो ले लेंगे, वैसे स्पेसिफिक कोई ऐसे शॉपिंग नहीं करने जा रहे, कुछ अच्छा अगर नज़र आ गया तो ले लेंगे। तो साथ में आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या नहीं आया हुआ नया। बस अभी चलते हैं, रेडी होगी हुई हूँ मैं, जावेद को भी रेडी कर दिया, अर्शमान घर पर ही है, उसको नहीं लेके जा रही। पता है बच्चे साथ होना तो फिर शॉपिंग नहीं होती, शॉपिंग का मज़ा भी नहीं आता, बंदा बच्चों की तरफ ध्यान रखे या शॉपिंग करे। और जावेद तो रहता नहीं है क्योंकि हमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो जावेद तो रहेगा नहीं, इसलिए उसको साथ लेके जा रहे हैं। अभी जाते हैं नीचे, अंबर भी रेडी होगी हुई है, मैं वो बस अब निकलते हैं। हम गाड़ी में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं गीगा मॉल। देखेंगे उधर क्या हालात हुए, जहाँ पे बहुत रश हुआ वहाँ तो हम घुसेंगे नहीं भाई, आजकल तो लोग फायरिंग कर रहे हैं, रश हुआ वहाँ नहीं जाएंगे हम, सिर्फ अपनी शॉपिंग करने जा रहे हैं। लेकिन जो हमने चेंज कराना ना वो खैर उसी शॉप से करवाना है, तो अब देख लेंगे वहाँ पे क्या हालात है, अगर जाने वाले हुए तो जाएंगे, एक बार हम रास्ते में उधर जाके मिलते हैं आपसे। चलो भाई पहुँच गए हम लोग, और एज यूजुअल जेवी साहब को आ गई है पार्टी। है जी, जब भी आते हैं ना आप मुझे बता देंगे आपके साथ आखिर क्या मसला है, घर में आपके वॉशरूम नहीं है, घर में आपके वॉशरूम नहीं है। और इधर रश चेक करें आप लोग, रस देखो भाई। शायद दिस शर्ट इज़ ऑल्सो नाइस है ना, ये भी अच्छी लग रही है मुझे, और ये सामने वाली भी अच्छी लग रही है, ये वाला क्या ये शर्ट है सिर्फ, समझ में आ रही ये सब मिक्सअप हुआ हुआ है, ये उतरा हुआ है इसका। हाँ खाली लटकी हुई है ये शलवार है आई थिंक, ये ये देखो हाँ शलवार है और ये शर्ट है ये, और इसका ये कोई ऑर्गेंजा वाला भी है। पिंक भी है, दिस बारबी जी बार कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ कलर प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। सबसे पहले हम गए थे सेफायर पे, हमने कहा चलो सेफायर पे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने कपड़े चेंज करवाने थे वो सेफायर से ही करवाने थे। यहाँ पे रश तो था, लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा रश नहीं था, काबिले कबूल ही था, क्योंकि सिर्फ काउंटर पे ही लाइन लगी हुई थी, बाकी थोड़ा ठीक ही था क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था, 12 बज रहे थे इस टाइम। तो बस अभी हम देख रहे थे कि अनस्टिच जो है वो पसंद आ जाए, लेकिन जो हमने जो चेंज करवाना है ना वो एक्चुअली मेरी बहन का है जो चेंज करवाना है, मैंने नहीं शर्ट तो वो मैं जो मेरी बहन अमेरिका से आई हुई थी उसका है, तो वो तो खैर चली गई हुई है लेकिन उसकी शर्ट इधर ही रह गई है, तो वो कह रही थी चेंज करवा लेना, तो वो हम करवाने गए थे। लेकिन हमें कोई ना इतना कोई ख़ास कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले कपड़े नहीं थे कि बंदा कहे बहुत अच्छे हैं, वो एकदम बंदे को अच्छे लग जाते हैं ना कपड़े, उस तरह से हमें फीलिंग नहीं आ रही थी ना। तो बस अभी हम देख ही रहे थे कि शायद कोई पसंद आ जाए, लेकिन जो है और यहाँ पर ना ये हिसाब भी हुआ हुआ था कि आपको अगर कोई सूट पसंद आ गया है ना तो आपने उसको खुद ही नीचे जो रैक्स बने हुए हैं उसमें से ढूंढना है, आपको वो निकाल के नहीं देंगे, तो सब अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे थे वहाँ पे ना, सब लेडीज़ खुद ही लगी हुई थी निकालने कपड़े। तो खैर वो पीछे जो एक ब्लू सा था सूट ये मुझे अच्छा लगा था, और बाकी ये जो ऊपर ग्रीन सा था ये वाला ये चिकनकारी टाइप के सूट थे ये भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बस ठीक थे, इस तरह के ऑलरेडी उसके पास काफ़ी है। तो मैं एक सोची थी, उसने मुझे कहा हुआ था कि कोई ब्लैक कलर का देख रहा ना, तो ब्लैक तो हमें मिल नहीं रहा था, तो ये एक मुझे नज़र आया ब्लैक कलर का ना, और अच्छा भी था, ये थोड़ा सा प्रिंटेड था, तो मैंने कहा चलो ये दिखाती हूँ अंबर को, अगर अच्छा है तो ये वाला ले लेंगे। मुझे लग रहा था कि शायद जो है ना काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, क्योंकि सेल को लगे हुए ऑलरेडी एक दो दिन हो चुके हुए थे, तो पहले हम इसी वजह से नहीं गए कि भाई रश बहुत होगा तो फ़ायदा नहीं है जाने का, खामखा रश में चले जाना फंस जाना वहाँ पर, तो इसलिए भी हम नहीं गए थे। तो हमने कहा चलो बाद में जाएंगे, अगर कोई टाइम भी नहीं था खैर मेरे पास, तो कोई कुछ अच्छा लग जाएगा तो ले लेंगे। तो यहाँ पे ना ये भी एक सूट था मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा कलरफुल सा डिफरेंट था,
लेकिन बस वही था कि मैं अपने लिए तो स्टिच जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, अनस्टिच जो है ना मैं सोचती हूँ कि ना ही लूँ, क्योंकि फिर जो है ना सिलवाने की अलग से मुसीबत होती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो है ना स्टिच ड्रेस लूँ। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी बहन के लिए ही देख रही थी कि कुछ अच्छा लग जाए मुझे, और साथ में मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी कि ये कलेक्शन है। और काफ़ी जगह तो सेम ही कलेक्शन उन्होंने ना दोबारा से रैक्स पे लगाई हुई थी, जैसे कि ये ऊपर पीछे मैंने ऑरेंज वाला सूट देखा था वो दोबारा से इस साइड पर लगा हुआ था। तो इस वजह से लग रहा था कि शायद बहुत कुछ है, लेकिन काफ़ी कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हुआ था। हैंड स्टिच के बाद तो फिर मैं आ गई स्टिच की तरफ, मैंने कहा चलो अब मैं स्टिच की तरफ देख लेती हूँ कि क्या क्या आया हुआ है, और जो है ना वो अपने लिए कुछ देख लेती हूँ। तो ये एक शर्ट थी, ये भी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो शर्ट्स लगी हुई थी, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सी सिंपल सी शर्ट थी, कुछ उसके ऊपर कोई बटन्स नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लेंस नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सी थी। और ये जो है वो 1700 की, 1800, 1900 की सिर्फ एक शर्ट थी। तो खैर यहाँ पर ये एक टू पीस मुझे अच्छा लगा था, लाइन्स वाला ये टू पीस ड्रेस था, और फिर भी चलो 5000 तक का ये था, लेकिन इसमें ना साइज़ ही नहीं था, सिर्फ लार्ज पड़ा हुआ था। फिर मैं जो है वो ट्राउज़र्स वाले सेक्शन में चली गई, और वहाँ पे जो है ना ये ट्राउज़र थे कुछ अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे जो है वो दूसरा ट्राउज़र चाहिए था, खुला सा जो होता है आजकल फैशन में है वो वाला, तो वो तो यहाँ पे नहीं था। और ये दूसरे शलवारें वगैरह काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन और साथ में ना सब लगे हुए थे जो जॉर्जेट के शिफॉन के पजामे होते हैं ना वो लगे हुए थे, बाकी सब जो है वो ख़त्म हो गया हुआ था। और ये बस एक पर्पल जो है मुझे अच्छा लग रहा था ट्राउज़र, लेकिन ये था कि ये भी रेशमी ही था, तो इस वजह से इधर भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। बस लेट नहीं आता है ये ज़मीन पे ना, जब भी ये मॉल आता है ना। इसके बाद हम लोग चले गए एथनिक पे, हमने कहा चलो वहाँ पे भी देख लेते हैं वैरायटी, वहाँ पे सेल तो नहीं लगी हुई थी लेकिन फिर भी हमने कहा चलो चेक कर लेते हैं थोड़ी वैरायटी उनकी भी। इस रैक में तो जो है ना सिर्फ शर्ट्स ही पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे एक ये मुझे इनकी ये शर्ट अच्छी लगी थी, ब्लैक कलर की ना, ये लॉन्ग फ्रॉक सा बना हुआ था। तो फिर मैंने अंबर को बुलाया, मैंने कहा इसकी प्राइस तुम चेक करो, बहुत ही कोई जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस है, 7000। इतना भी क्या है कि ये 7000 का सूट, 7000 की शर्ट है, इतना भी क्या है, अंताई हुई है, आग लगी पड़ी है, अब बंदा सेल से ना ले तो फिर क्या करे। एथनिक पे जो है ना वो ज़्यादातर फ्लावर प्रिंट्स आए हुए थे, लेकिन मुझे जो है वो इस तरह के प्रिंट्स नहीं चाहिए थे, और इनका कपड़ा भी ना इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं था, और भी डिज़ाइन अच्छे थे लेकिन कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल उन्होंने ऑर्गेंजा टाइप का बना दिया हुआ है। चलो भाई अब हम उधर सेफायर पे जब गए थे तो उन्होंने ये कहा कि जी चेंज हो जाएगा आपका ना, वो एक शर्ट है जो फुल प्राइस पे ही है तो आप उसके बदले चेंज कर लें। हमने जब सेलेक्ट कर लिए चेंज करने के लिए, तो वो कहते हैं जी नहीं ये अभी आर्टिकल हमने अंदर रख दिया हुआ है तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो सारा सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा, तो अभी नहीं आप कर सकते, आप बाद में आके कर लेना। तो मैंने कहा इतना हमें जो है वो ख्वार क्यों किया, बिला वजह सेलेक्ट किया, इतना को खास हमें पसंद भी नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से पसंद आई है, हम इतनी देर हमारी खाम खजाया हुई है, अब बाद में आऊँगी दोबारा वो कपड़े चेंज करने के लिए। अभी जनाब साहब ने कॉर्न खाने हैं, चलो जी ये लो पकड़ो, चलो पकड़ो पकड़ लो। सोचा तो बहुत था मैंने कि शॉपिंग करूंगी बड़ी कोई, लेकिन मुझसे शॉपिंग हो ही नहीं रही, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। इसके बाद जी हम गए साया पे, हमने कहा इधर भी सेल लगी है ज़रा इधर भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। तो इधर तो बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, और यहाँ पे ये जेंट्स के भी कपड़े थे, अंबर देख रही थी भाई के लिए और मैं जो है वो दूसरे कपड़े देख रही थी, बहुत अच्छे अच्छे इनके कपड़े आए हुए थे गर्मियों के हिसाब से, बहुत लाइट लाइट से और हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई थी, और ये एक वाइट कलर का था ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर इनके जो है ना इस टाइप के कपड़े थे कि बिल्कुल लॉन के जिस तरह हल्के हल्के से कलर्स, और बिल्कुल समर्स के हिसाब से ना बहुत अच्छे डिज़ाइंस, और कपड़ा भी अच्छा था, लेकिन बस एक इशू था कि ये ना काफ़ी सी थ्रू थे, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो वाइट कलर थे तो इसलिए सी थ्रू लग रहे थे, जिस तरह से अब ये था डिज़ाइन और कलर वगैरह, कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा था और प्राइजेस भी इनके रिजनेबल थे। ये कुछ डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल लाइट लाइट से, बीच में डार्क कलर्स भी थे, ये भी बहुत प्यारा है लगा मुझे, ब्लैक कलर का ये भी अपने हिसाब से अच्छा था, और फिर ये पिंक सा था, ये भी कपड़ा भी बहुत अच्छा था और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था और प्राइस भी थोड़ी रिजनेबल थी।
तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी कि चलो सेल लगी हुई थी, तो उस लिहाज से जो है ना काफ़ी रिजनेबल यहाँ पे कपड़े थे। हम कुछ दिखा रही हूँ आपको कि 2 पीस थे, 3 पीस भी थे, सिंगल शर्ट्स भी थी और काफ़ी अच्छे अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात थी कि इनके पास साइजेस अवेलेबल थे, वरना ज़्यादातर ब्रांड्स के पास तो साइजेस नहीं अवेलेबल होते। अगर आपको कोई पसंद आता है बड़ी मुश्किल से, अगर कोई पसंद आ भी जाए तो उस पर साइज अवेलेबल नहीं होता, खासकर पे सेल्स पे ऐसा ही होता है। तो खैर इनके पास सेल भी लगी हुई थी और साइजेस भी काफ़ी अवेलेबल थे। और एक तो ये जो पर्पल कलर का था ना भाई, ये तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इतना हल्का सा कलर था और पता नहीं बार बार ना मेरी पर्पल के ऊपर ही नज़र जा रही थी। मुझे पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा था, ये लालेक सा ना, तो बार बार मेरी इसी पे ही नज़र जा रही थी। और ये बहुत ही प्यारा प्रिंट था, बना भी बहुत अच्छा हुआ था, बस सिर्फ एक यही इशू था कि ये थोड़ा सी थ्रू था, तो वैसे नो डाउट बहुत अच्छा था। और इसी तरह से फिर इनके ये अनस्टिच कलेक्शन भी थी, ये भी बहुत प्यारी थी, लेकिन मैंने जो है वो अनस्टिच कपड़े लेने नहीं थे। मैंने जो है वो, मेरा दिल था कि बस मैं स्टिच ही देखूं, और देख भी मैं स्टिच ही रही थी। वैसे अनस्टिच कलेक्शन भी इनकी बहुत अच्छी आई हुई है। लो जी, शॉपिंग हो गई है हमारी, भाई बहुत खर्चा कर दिया है, पता नहीं क्या होगा। ये बेबी ने लॉलीपॉप ले लिया है, तो खैर अब हम जा रहे हैं खाना खाने। हमने कहा कुछ खा ले, बहुत ज़्यादा भूख लगी। ए अभी हम सोच रहे हैं कि क्या खाएं, और इसका दिल है कि मंदी खाएं। ये यहाँ पे मंदी है, यमतू वालों की मंदी है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा हमें कि क्या खाएं। और ये देखो ना, इसका जहाँ दिल करता है ना ये बैठ जाता है, इसे कोई नहीं फिक्र कि भाई ज़मीन गंदी है ना बैठूं। अच्छा। क्यों बैठ जाते हो बार बार यार? जनाब साहब कह रहे हैं मैंने प्ले एरिया में जाना है, तो अब मैं इसको प्ले एरिया में भेज के आती हूँ, फन सिटी में। इधर से जा सकते हैं बेटे। तो भाई इसको मैंने सॉक्स पहना दिए हैं, अब बेबी जा रहा है प्ले एरिया में है। हाय हाय, खुशी देखो जरा, खुशी देखो, जाना है। अच्छा चलो आराम से खेलना, ओके। वो जा रहा है। भाई खाना आ गया, हमने मंदी ऑर्डर की थी और साथ में कुनाफा भी ऑर्डर किया हुआ है। हमारा मंदी खाने का बड़ा दिल कर रहा था आज को पहले हमने सोचा कि नहीं करते, बाद में खा लेंगे, लेकिन फिर हमने कहा चलो यही खा लेते हैं, पिज्ज़ा बर्गर तो खाते ही रहते हैं। मंदी हमने खा ली और अब आ गया हमारे पास कुनाफा। अब हम इसमें ढालते हैं शीरा, फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने लगे कि कैसा है ये। चलो ट्राई करो। बेबी मजा आया बेबी को। चलो आओ तो वॉशरूम जाते हैं पहले, के लिए खाना रखा हुआ है मैंने, अभी चल के खाना खाते हैं, ठीक है ना। इसके मैंने हैंड वॉश कर दिया, फेस वॉश कर दिया, खाना खा लिया हमने, अब हम जा रहे हैं दोबारा शॉपिंग पे। इसके बाद जी हम चले गए थे डॉलर शॉप पे, क्योंकि अक्सर ही वहाँ पे ना कुछ ऐसा आया होता है जो ज़रूरत होता है बंदे को, और बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं कभी कभी। तो हमने कहा चलो नज़र मार लेते हैं, और काफ़ी कुछ हमने यहाँ से ख़रीद भी लिया था, जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं इस तरह की जो घर में ज़रूरत होती हैं। तो खैर ये देखिए कितनी अच्छी प्लेट्स वगैरह थी, यहाँ से मैंने ऑलरेडी पहले भी 2-3 प्लेट्स जो हैं वो बच्चों की ली हुई हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं, और बाज़ दफ़ा चीज़ जो है ना बहुत अच्छी मिल जाती है क्वालिटी वाइज, और वैसे भी बहुत अच्छी मिल जाती होती हैं। और उसके बाद जो हम आगे कारफोर पे, वहाँ पे ये मैं शर्ट्स देख रही थी, नाइटी की कॉटन की शर्ट्स थी, लेकिन जो है ना ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। प्राइस जो है ना इनकी 700 थी, और आगे जो है ना वहाँ पे 1000 की भी पड़ी हुई थी। आपको शर्ट लो या ट्राउज़र लो, वो मतलब एक 700 की एक शर्ट और 700 का एक ट्राउज़र, और डिफरेंट रेट्स थे, 500 वाला भी था, 1000 वाले भी थे और 700 वाले भी थे। इसके बाद यहाँ पे बच्चों के कुछ ट्राउज़र लगे हुए थे, मैंने कहा ये भी देख लूँ, गर्मियों के लिहाज से ना बड़े अच्छे होते हैं रात को पहनने वाले ट्राउज़र्स। ये वाले अभी आए हुए हैं, वरना ये वहाँ पे नहीं होते ना हर दफ़ा। तो बस हम थोड़ी सी अब ग्रॉसरी भी कर रहे थे, क्योंकि अंबर ने करनी थी ग्रॉसरी, तो वो कर रही थी, मैं साथ में फ्रूट्स देख रही थी। मैंने कहा चलो कोई फ्रूट्स अगर अच्छे लगते हैं तो वो ले लेते हैं।
इसके बाद हम चले गए शूज़ लेने के लिए जावियार के, क्योंकि वो एक तो हमने जॉगर जो है वो फेंक दिए हुए हैं और दूसरे सैंडल्स जो है ना ये वाले अब इतने सही रहे नहीं है, ये बार बार खुल जाते हैं। तो यहाँ पे हम शूज़ भी देख रहे थे जावियार के लिए। लगता है हमने जो है ना पूरा गीगा मॉल ख़रीद लिया, फुल जो है ना आज हमने टाइम लगाया, इतनी थक गए ना, तोबा तोबा, 2 घंटे तो हम बैठ के खाते रहे आराम से। पहुँच गए जी हम घर। अगर मेरी ये शॉपिंग जो आज मैंने की है वो उसका व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी शॉपिंग जो मैंने की है ना, अपनी बच्चों की और जो कुछ भी लिया है ना, घर की भी शॉपिंग की है कुछ, बच्चों की भी शॉपिंग की है, अपनी भी शॉपिंग की है, तो वो सब मैं आप लोगों को जो है वो किसी व्लॉग में दिखाऊँगी। तो अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करें तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी व्लॉग बना दूँगी। तो बस अब हम आराम करेंगे थोड़ा, इसको तो मैं शावर दूंगी, गंदे को बहुत गंदा हुआ है तो बस इसको मैं शावर देती हूँ जी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़रूर सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।